वेलकम टू वैकेंसी है मेरा नाम सुभांशु मिश्रा है और आप देख रहे हैं वैकेंसी है दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वीकली करंट अफेयर के ऊपर होने वाली है इस वीडियो में मैंने सात नवंबर से लेकर चार दिसंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया है इस वीडियो में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करना चाहते हैं अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें हम इस चैनल पर अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के साथ साथ वीकली करंट अफेयर की वीडियोस भी अपलोड करते हैं वीकली करंट अफेयर की वीडियोस है ये आज से स्टार्ट हो रही है ये इस सीरीज में पहला वीडियो है और अगला वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा सैटरडे या संडे को तो अब बिना किसी देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं आज का पहला सवाल लेते हैं पहला सवाल ये है कि भारत का पहला साइबर तहसील वाला राज्य कौन बनने जा रहा है आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश तो इसका उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश इस सवाल का सही जवाब है मध्य प्रदेश अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि हाल ही में जैसलमेर में सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन किया गया है इसमें कौन शामिल होता है जो सवाल है ये सवाल ये है कि जो अभी हाल ही में जैसलमेर में एक सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन किया गया है इसमें जो सेनाएं हैं वो कौन कौन सी सेनाएं शामिल होती हैं आपके सामने ऑप्शन है थल सेना और वायुसेना दूसरा है बीएसएफ और थलसेना तीसरा है वायुसेना और बीएसएफ फोर्थ है बी और आईटीबीपी तो इस सवाल का दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए थल सेना और वायुसेना इस सवाल का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन ए थल सेना और वायुसेना तो आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल ये पूछ रहा है कि जो बीसवीं एस परिषद में भारत की अध्यक्षता किसने की थी जो बीसवीं एस परिषद हुई थी उसमें भारत की अध्यक्षता किसने की थी आपके सामने ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जयशंकर एस जयशंकर पीयूष गोयल अजीत डोवाल तो इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उन्होंने बीसवीं एस सी परिषद में भारत की अध्यक्षता की थी अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर चार सवाल नंबर चार ये पूछ रहा है कि हाल ही में किसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया है आपके ऑप्शन है मेक माई ट्रिप दूसरा है गोवा बीबो तीसरा है यात्रा और डी है क्लियर ट्रिप इस सवाल का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मेक माई ट्रिप इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेक माई ट्रिप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पे क्वेश्चन नंबर पाँच पूछ रहा है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रीय अंगदान दिवस आपका 27 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय अंगदान दिवस हम किस दिन मनाते हैं 27 नवंबर को क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर छह इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में सनन तान्ती का निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे सनन तान्ति जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे वो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या वो गीतकार थे कवि थे उपन्यासकार थे इतिहासकार थे तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक मशहूर कवि थे तो इस सवाल का सही जवाब होगा कवि ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा है कॉलेज डिक्शनरी ने इनमें से किन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है जो ऑप्शन है वो है वैक्सीनेटेड एन लॉकडाउन वेरिएंट। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका एन एफ टी तो क्वेश्चन नंबर आठ आपसे पूछ रहा है कि डब्ल्यू ने कोविड नाइनटीन वेरियंट बी पौंट वन फाइव टू नाइन को क्या नाम दिया है आपका जो ऑप्शन है ये है आपका पहला डेल्टा दूसरा है ओमिक्रॉन तीसरा है ओमिक्रॉन और डी है अल्फा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी ओमिक्रॉन सिर्फ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नौ हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में चेक गडराज के नए प्रधानमंत्री कौन बने चेक गडराज के नए प्रधानमंत्री कौन बने इसके हमें ऑप्शन दिया हुआ है पेत्र फियाला मिलोस जेमन एंड्रेस बाबिस और वैक्लाव क्लासो तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पेत्र क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस हमसे पूछ रहा है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो इसका जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है मणिपुर मेघालय त्रिपुरा मिजोराम मिजोरम तो हमें इसमें बताना है कि जो हमारा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये किन किस राज्य में मनाया जाता है तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों आप देख सकते हैं इस सवाल का सही जवाब हमारा आ रहा है मेघालय इस सवाल का सही जवाब मेघालय है क्वेश्चन नंबर ग्यारह पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह हमसे पूछ रहा है कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किस किसे बनाया गया है हमारे सामने ऑप्शन है हर्षवंती बिष्ट बच्छेंद्री पाल और आगे बढ़ें तो हमारा ऑप्शन आता है साइना नेहवाल और किरण वेदी तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए हर्षवंती विस्ट क्वेश्चन नंबर बारह हमसे पूछ रहा है उस योजना का क्या नाम है जो सभी एन एफ एस ए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पाँच किलो अनाज मुक्त प्रदान करती है तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन है, है पी एम एफ बी वाई दूसरा है पी एम जी के वाई तीसरा है पी एम के वी वाई और चौथा है पी एम जे के ए वाई तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों ये है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर तेरह हमसे पूछ रहा है कि किस लघु वित्त बैंक ने अपने नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एच डी एफ सी बैंक के साथ भागीदारी की है आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है ई एस ए एफ स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरा है आपका इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक तीसरा है उत्कर्ष फाइनेंस बैंक और चौथा है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमसे पूछ रहा है शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है आपके सामने ऑप्शन है कुवैत इजिप्ट कतर और एक ऑप्शन इधर है ईरान तो आपको बताना है कि इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन से देश के प्रधानमंत्री इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है जो शेख सबा अल खालिद अल हमद अल अहमद अल सबा जो हैं इन्हें किस देश का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया गया है तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों कुवैत इस सवाल का सही जवाब है कुवैत आइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह हमसे पूछता है कि इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि किसे चुना गया है तो इस सवाल में आपको ऑप्शन दिया हुआ है पहला प्रियांक अग्रवाल दूसरा दिया है प्रवीण सिन्हा तीसरा दिया है गोपाल कुमार वर्मा और चौथा दिया हुआ और चौथा दिया हुआ है विवेक मिश्रा तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये आपका बनता है ऑप्शन बी प्रवीण सिन्हा आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है संघाई सहयोग संगठन एस सरकार के प्रमुखों की परिषद सी की बीसवीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है आपका ऑप्शन है पहला आपका ऑप्शन है पहला बिश्केक, दूसरा है ऐशगाबाद, तीसरा है नूर सुल्तान और चौथा है बाकू इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों आपका सी नूर सुल्तान क्वेश्चन नंबर 17 निर्मला सीतारमन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और हौसला योजनाएं और शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की हैं आपका जो ऑप्शन है ये है पहला जम्मू कश्मीर दूसरा दमन और दीव तीसरा है मणिपुर चौथा है अरुणाचल प्रदेश इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों जम्मू और कश्मीर क्वेश्चन नंबर अट्ठारह हमसे पूछता है कि भारत और किस देश के बीच कॉरपोरेट का सैंतीसवाँ संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश इंडोनेशिया और भारत रूस तो इस सवाल का दोस्तों जो सही जवाब है 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 इंडोनेशिया की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव सप्ताह का विषय क्या है क्वेश्चन नंबर उन्नीस का आंसर है ऑप्शन सी बच्चों के विचार अधिकार और पोषण क्वेश्चन नंबर बीस की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बीस हमसे पूछ रहा है कि चौथी स्टिल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडुब्बी कौन सी है जिसे प्रोजेक्ट पचहत्तर के भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है आपके ऑप्शन है आई एन एस आई एन एस बेला आई एन एस चक्र आई एन एस हमला तो इस सवाल का सही जवाब जो है वो है आई एन एस बेला क्वेश्चन नंबर हम इक्कीस की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ रहे हैं कि स्वदेश परियोजना का शुभारंभ किसने किया आपका ऑप्शन है अमित शाह नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि स्वदेश परियोजना का शुभारंभ किसने किया ऑप्शन है अमित शाह नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जुआन कार्लोस हेनार्डिस क्वेश्चन नंबर तेईस की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस हमसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एम पुरस्कार 2021 में किस वेब श्रृंखला या वेब सीरीज ने सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार जीता आपके ऑप्शन हैं तेहरान कॉल माई एजेंट सीजन फोर सीरियस मैन और डी है आर्या तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए तेहरान क्वेश्चन नंबर बीस की तरफ बढ़ चौबीस की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौबीस हमसे पूछ रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी पहले राष्ट्रीय एम में कौन सा राज्य सभी आयामों में भारत के सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है आपका ऑप्शन है पंजाब उत्तर प्रदेश उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और फिर बिहार तो इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो है बिहार नंबर पच्चीस हमसे पूछ रहा है दिसंबर 2021 में जी सेवन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा आपका ऑप्शन है ग्लासगो ग्लासगो लिवरपूल बीजिंग बर्लिन इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन बी लिवरपूल ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछ रहा है कि आई एन वेला को भारतीय नौसेना द्वारा किस स्थान पर कमीशन किया गया है आपके ऑप्शन है नेवल डॉक यार्ड मुंबई हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम जवाहर नेहरू सॉरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और फोर्थ है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए नेवल डॉक मुंबई ये बढ़ते हैं अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि आर ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया है आपके ऑप्शन है एच डी एफ सी पी एन बी आई सी आई सी आई बैंक एस बी आई बैंक इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एस बी आई बैंक क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस हमसे पूछ रहा है कि किस देश ने आम जनता द्वारा चमड़े के कोट पहनने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है सवाल है कि किस देश ने आम जनता द्वारा चमड़े के कोट पहनने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है आपके ऑप्शन हैं नॉर्थ कोरिया जापान साउथ कोरिया और चीन तो इस सवाल का जो सही जवाब है यह है आपका नॉर्थ कोरिया क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर उनतीस की किस शहर में पहली बार सत्तावन नोरो वायरस मामले संगठित हुए हैं या सामने आए हैं इसमें थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है इस सवाल में हमसे पूछा है कि किस शहर में संतावन नोरो वायरस मामले एक साथ सामने आए हैं आपको जो ऑप्शन दिया है अलपूझा पलक्कड़ एर्नाकुलम त्रिशूर तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों ये है ऑप्शन डी त्रिशूर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीस फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है आपके ऑप्शन है तीस नवंबर अट्ठाईस नवंबर, उनतीस नवंबर और सत्ताईस नवंबर। इस सवाल का सही जवाब है इस सवाल का सही जवाब है सॉरी, इस सवाल का इस सवाल का सही जवाब है उनतीस नवंबर, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर इकतीस पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इकतीस हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले ओमाइक्रोन का पता लगाया गया है जो ओमिक्रॉन वायरस है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का इसका पता लगाया गया है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है यहाँ पे ओमिक्रॉम लिखना था तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ये हुआ है दिया हुआ है आपको जर्मनी दक्षिण अफ्रीका इसराइल और फ्रांस तो इस सवाल का जो सही आंसर है दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है ये कोरोना वायरस का एक नया ही वेरिएंट है इसके बारे में हमने अभी जस्ट ऊपर एक

आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तैंतीस क्वेश्चन नंबर तैंतीस हमसे पूछ रहा है कि फ़ीफा विश्व कप 2022 के लिए कौन सी दो टीमें क्वालिफाई करेंगी सॉरी uh, करेंगी नहीं होगा यहाँ पे कौन सी दो टीमें क्वालिफाई करी हैं या कर चुकी हैं इस तरीके से क्वेश्चन है इसमें एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो क्वेश्चन है यह कि फीफा विश्व कप 2022 के लिए कौन सी दो टीमों ने क्वालीफाई किया आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना जर्मनी पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना जर्मनी दूसरा है स्पेन और पुर्तगाल तीसरा है इटली और पुर्तगाल और डी है फ्रांस और ब्राज़ील तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी इटली और पुर्तगाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौंतीस पे क्वेश्चन नंबर चौंतीस हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ने किस तारीख को अपनी स्थापना की तिहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई आपका जो ऑप्शन है ये है सत्ताईस नवंबर तीस नवंबर और अट्ठाईस नवंबर उनतीस नवंबर इस सवाल का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन सी अट्ठाईस नवंबर अट्ठाईस नवंबर को एन ने अपनी स्थापना का तिहत्तरवाँ दिवस मनाया आगे क्वेश्चन पूछता है हमसे क्वेश्चन नंबर 35 की बैलन डी और दो पुरस्कार किसने जीता है इसमें आपको ऑप्शन दिया है काका लियोन मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लुका मॉड्रिक तो इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी लियोन मेसी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछ रहा है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित करने का प्रस्ताव है आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड्स फ्रांस साउथ कोरिया तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन डी साउथ कोरिया है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सैंतीस पे क्वेश्चन नंबर सैंतीस हमसे पूछ रहा है 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आई किस राज्य में आयोजित किया जाएगा तो इस सवाल का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है पश्चिम बंगाल केरल गोवा दिल्ली इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी गोवा गोवा में इस बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अड़तीस पे क्वेश्चन नंबर अड़तीस हमसे पूछ रहा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष दो का शब्द घोषित किया गया है तो इस सवाल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पहले दिया हुआ है आपको वैक्सीन दूसरा दिया सिकाडा तीसरा दिया परसिवरेंस और डी दिया हुआ है इसेक्शन तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन ए वैक्सीन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा ट्विटर से ट्विटर से क्वेश्चन ये है कि ट्विटर के जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम क्या है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं निकेश अरोड़ा जॉर्ज कुरियन पराग अग्रवाल सुंदर पिचाई तो इसका जो ऑन तो इसका जो आंसर है तो आप समझे गए होंगे कि ऑप्शन डी नहीं होगा तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पराग अग्रवाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चालीस हमसे पूछ रहा है भारतीय रेलवे देश के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल स्थापित करने जा रहा है आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु गुजरात मणिपुर उत्तराखंड आपके सामने सवाल है सवाल यह है कि भारतीय रेलवे देश के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल स्थापित करने जा रहा है आपका ऑप्शन है तमिलनाडु गुजरात मणिपुर उत्तर प्रदेश तो उत्तर सॉरी उत्तराखंड तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मणिपुर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हमसे पूछ रहा है कि गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है आपको ऑप्शन मिला है इकतीस दिसंबर तीस दिसंबर तीस नवंबर पच्चीस दिसंबर इस सवाल का जो सही जवाब है यह आपका ऑप्शन ए इकतीस दिसंबर तक क्वेश्चन नंबर बत्तीस हमसे पूछ रहा है किस खिलाड़ी ने दो मलेशियाई ओपन स्क्वेश चैंपियनशिप में पुरुष शक्ल का खिताब जीता है आपके सामने ऑप्शन है वीके शरावत, वीके शरावत रतन पी वालात, राजीव कुमार और रमेश चंद्र तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन बी रतन पी वलात क्वेश्चन नंबर तिरालीस की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हमसे पूछ रहा है कि भारत में किस बैंक ने पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना अपनी तरह का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है आपके सामने ऑप्शन है इंडस बैंक एच एस बी सी बैंक सी डी सी बी बैंक केनरा बैंक जो ये पुनर्नवीकरण का मतलब आपका है रिसाइक रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है एच एस बी सी बैंक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर है आपके सामने ऑप्शन है पेरिस सिंगापुर तेल अवीव और न्यूयॉर्क तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन सी तेल अवीव आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है आपको ऑप्शन दिया हुआ है हनोई हनोई नोम ने ढाका दमिश्क तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी दमिश्क आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछ रहा है किस राज्य के पुलिस विभाग ने कॉल योर कॉप नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपको ऑप्शन दिया है नागालैंड लद्दाख गुजरात तमिलनाडु आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर है आपका ए नागालैंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हमसे पूछ रहा है कि टेस्ट में भारत का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है आपको ऑप्शन दिया हुआ है शांत शर्मा जसप्रीत बुमराह आर अश्विन युजवेंद्र चहल इस सवाल का सही जवाब है आर अश्विन ऑप्शन सी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हमसे पूछ रहा है विश्व एड्स दिवस दो हज़ार इक्कीस का विषय क्या था या थीम क्या थी तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है पहला नो योर स्टेटस दूसरा दिया हुआ है इन इनक्वालिटी एंड एड्स एंड इंड पैंडमिक्स तीसरा दिया हुआ है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी और डी दिया हुआ है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी इन इनक्वालिटीज एंड एड्स एंड इंड पैंडमिक्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन हमसे पूछ रहा है कि भारत का पहला निजी रूप से निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन वन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है जो एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है धवन वन इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है और हमसे पूछा है कि उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुव स्पेस स्काई रूट एरोपेस बेलेट्रिक एरोपेस और पिक्सेल तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी स्काई रूट स्काई रूट एरोपेस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछ रहा है कि भारत के नौसेना स्टाफ के नए मौजूदा प्रमुख कौन हैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है एडमिरल आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह एडमिरल ऑप्शन सी दिया हुआ है परशुराम नायडून मुरुगे, मुरुगेशन डी दिया हुआ है रॉबिन के धोवन तो इस सवाल का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए एडमिरल आर हरि कुमार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 51 हमसे पूछ रहा है कि दूरदर्शन के अर्थ केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है आपको ऑप्शन दिया हुआ है जयपुर पटना गोरखपुर और पाण्डिचेरी तो इस सवाल का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी गोरखपुर ये अभी चार दिसंबर को ही हुआ है गोरखपुर में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ क्वेश्चन नंबर 52 हमसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो वह एक दिसंबर दो दिसंबर तीन दिसंबर चार दिसंबर तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी चार दिसंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तिरपन की तरफ या फिफ्टी की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हमसे पूछ रहा है भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको ऑप्शन दिया हुआ है चार दिसंबर एक दिसंबर तीन दिसंबर और तीस नवंबर तो इस सवाल का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए चार दिसंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर हमसे पूछ रहा है कि किस भारतीय उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है आपको जो ऑप्शन दिया गया है मुकेश अंबानी रतन टाटा गौतम अडानी शिव नादर तो इस सवाल का जो सही जवाब है यह है रतन टाटा रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है तो आज का सवाल आपसे यही है कि असम राज्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उस पुरस्कार का नाम क्या है तो आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव भी हमसे पूछ रहा है कि ओई सी डी ने भारत की विकास दर 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है या कितना रहने का अनुमान लगाया है आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया हुआ है पहला 9.3 परसेंट नाइन परसेंट सी दिया है 9.4 परसेंट और डी दिया हुआ है 9.35 परसेंट तो इस सवाल का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 9.4 परसेंट नाइन परसेंट इस बार भारत का जो विकास दर है वो अनुमान लगाया गया है ओ द्वारा कि भारत की विकास दर 2022 में 9.4 परसेंट रहने वाली है तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और टॉपिक्स थे जो कि इस वीकली करंट अफेयर में मैंने इंक्लूड किया है वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैं एक बार फिर से बताता हूं कि हम इस वीडियो पे डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसीज आती हैं उनके नोटिफिकेशन और उनके फॉर्म और उनके एडमिट कार्ड वगैरह कैसे डाउनलोड करें फॉर्म कैसे फिल करें इनके बारे में बताते हैं वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें